जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। काम मैंने अपने घर का सब निपटा लिया है और अभी मैंने पूजा भी हो गई है, तो अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है। और जो परसों मैंने आपके साथ सूट की कटिंग शेयर की थी, प्लाजो भी मैंने कट कर लिया था, उसकी कटिंग मैंने शेयर नहीं, मेरे से नहीं हो पाया मेरे से, तो वो भी मैंने कट कर लिया था। प्लाजो पैंट मतलब उसकी मैंने प्लाजो पैंट बनाया है। तो आज मैं सोच रही हूँ उन दोनों की स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं आपके साथ, शायद अगर हुआ पॉसिबल तो मैं शेयर करूँगी। और इस वीडियो में मेरी आपको दिखेगी मेरी करेले की रेसिपी। मैंने कल करेले बनाए थे, उसकी रेसिपी आपके सामने जाएगी मेरी। तो जी, ये फ़ोन कैसे पकड़ के, जिससे कि आपको पिक्चर सही से आ जाए। तो जी, करेले की रेसिपी आपके सामने, आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी। और एक स्क्रब, मैंने स्क्रब की भी मैंने इसमें क्लिप एक लगा दी है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। बहुत अच्छा स्क्रब है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, अभी मेरे वीडियोस व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, जो भी थे वो उससे भी कम हो गए हैं। तो अभी तो चलो शुरुआत है, बहुत मेहनत करनी है। तो जी देखते हैं, तो चलते हैं जी किचन में, बनाते हैं खाने के लिए कुछ। उसके बाद स्टिचिंग भी करनी है, तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये जी मॉर्निंग की क्लिप है। अभी ये चाय बन रही थी मेरी, तो इसमें मैंने अभी दूध डाल दिया है। तो अभी इधर ये मॉर्निंग की क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये जो मैंने आपसे वीडियो में बात की है स्क्रब की, तो ये मैंने घर पे ही बनाया है। देखिए, इसमें काफ़ी सारा तो ख़त्म भी हो गया है, तो इसमें ये घर पे बना रखा है मैंने। तो अभी मेरे को नहाने के लिए जाना था, तो मैं इसे रेडी कर रही हूँ। इसलिए दही से यूज़ करते हैं इसको, मतलब इसे बना के रख लीजिए आप, काफ़ी दिनों तक आपका चल जाएगा। एक बार ही बना के रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है। और इसमें मिक्स करते हैं दही। तो ये मैं कभी आपके साथ ना शेयर करूँगी अच्छे से डिटेल में, तब मैं बताऊँगी। बहुत ही इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये कल शाम की क्लिप है जो मैंने आपसे बताई थी। मैंने बनाए थे करेले, करेले की सब्ज़ी बनाई थी शाम को। तो ये देखिए जी, करेले को मैंने तो काट के सुबह ही नमक लगा के रख दिया था, और वो मैंने धो के अच्छे से रख दिए थे। तो इधर मैंने प्याज और कच्ची आमी और ये सब हरी मिर्च काट के रख लिया। तो इसमें मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो गया था। और इसमें मैंने रिफाइंड लिया है, सरसों का तेल नहीं लिया है। तो फिर मैंने इसमें ये करेले अब डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, जैसे भी आपको रखने हो, जैसे जितना भी आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए या बिल्कुल लाइट चाहिए, जैसे भी कोई खाता हो। तो देखो, मैंने इस अच्छे कुरकुरे कर लिए हैं मैंने। तो ये देखिए, मेरे तो बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे हो गए। यही कलर मैं रखती हूँ, तो मैं इसी तरह से रख रही हूँ। और एक बार के और बचे हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। और जो करेले के ऊपर का जो वो उतरता है ना, वो एक छिलका जो होता है, तो वो भी मैंने साथ ही साथ इसको ऐसे ही इसमें डाल दिया है। और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी अब। और एक करेले भर के बनाते हैं, एक गोल तरीके से काट के बनाते हैं। तो एक चीज़ बहुत एक चीज़ को हम कितनी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ये कट जो ऐसे होते हैं ना, तो ये अचार टाइप हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले करेले भी। और अभी देखिए जी, इसी ऑयल में, देखो इसका ये ऑयल ग्रीन कलर का हो गया है, तो इसी ऑयल में पहले मैंने डाल दिया थोड़ा सा हींग, और इसी में मैं ऐड कर दूँगी ये भी ज़ीरा। और ये ज़ीरा भी चला गया जी। तो अभी इसमें हरी मिर्च और प्याज ऐड कर देते हैं। तो इन प्याज को और हरी मिर्च को अच्छे से हम भून लेंगे, बिल्कुल जब तक इनका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तो तब तक मैं प्याज को भूनती रहूँगी। ये पहले ये इधर आमी भी है मेरे पास कटी हुई, और आमी एक पूरी आमी मैंने पूरी की पूरी काट ली है, क्योंकि मैंने बचाई नहीं है उसमें से, क्योंकि जो आमी थी ना वो मीठी थी, ज़्यादा खट्टी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी पकी हुई थी वो, तो उसमें मतलब उसका स्वाद जो था मीठा मीठा सा था। तो मैंने को इसको सारी को ही मैं काट लेती हूँ, क्योंकि करेले में खटाई ज़रूर चाहिए होती है। या आमचूर डाल दो आप, या कुछ भी हो, या आम का अचार भी डाल सकते हो। और ये मेरे पास तो मुझे आम मिल गया था ना, ये कच्चे वाला, तो मैंने यही रख लिया, पूरा ही काट लिया था। तो अभी इसे पहले अच्छे से भून लेते हैं, जब तक इनका एक कलर नहीं आ जाता, गुलाबी गुलाबी कलर जो आ जाता है, तो वो इस तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। ऐसे ही चलाना पड़ेगा इसको अभी, तो करेले बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको पहले भूनते जाएंगे अभी हम। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ, देखो इसमें ये थोड़ा तेल छोड़ गया है, देखिए ये थोड़ी भुन भी चुकी हैं अभी,
लेकिन अभी उनको और मेरे को और भूनना है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये मैंने जो कच्चे आम थे ना मेरे पास, मैंने कटे बारीक बारीक काट के मैंने रख लिए थे, तो वो भी मैं इसके ऊपर अभी इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ये यहीं पे कुक हो जाएंगे अभी, तो ये भी मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिए, लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जी, ये अभी भुन चुकी है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितने अच्छा इसका कलर आ गया है, बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अभी इनमें देखिए जी तेल छोड़ दिया है इसने, तो बहुत प्यारा सा एक कलर आ गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो पहले स्वाद अनुसार इसमें मिर्च डाल लेते हैं, और मिर्च के बाद फिर इसमें अपना जो भी सारे मसाले आप इसमें अपना ऐड कर लीजिए। थोड़ी हल्दी डाली है, धनिया पाउडर जाएगा, थोड़ा गरम मसाला भी जाएगा इसके अंदर, तो सारे मसाले इसमें ऐड कर लीजिए। नमक जाएगा अभी यहीं पर, तो जो भी आप अपने स्वाद के अनुसार अपने मसाले। और इसमें ये सौंफ थी तो सौंफ को पीस लिया था, बारीक पाउडर बना लेते हो, तो मैंने इसमें सौंफ भी ऐड कर दिए। ये देखिए एक चम्मच सौंफ डाली थी, और ये नमक भी ऊपर से ऐड कर दिया है। ये देखिए स्वाद अनुसार अपना नमक भी डाल लीजिए। तो जी ये नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इनको अच्छे से चला लेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें किचन किंग मसाला जो आता है वो भी ऐड किया है, तो उसका टेस्ट खाने का टेस्ट को दोगुना कर देता है वो। तो मैंने ये सब मसाले ऐड करके अब इनको अच्छे से भून लेंगे पहले हम, और इनको अच्छे से भून के फिर जो मेरे पास फ्राई करेले रखे थे ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जी करेले बहुत अच्छे बने थे मेरे, हालांकि ये देखिए पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं और भी। और ये जो करेले थे तो इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे अभी, ये देखिए, और अच्छे से चलाएँगे कुछ देर के लिए ऐसे, अभी यहीं पर कुक कर लेते हैं। ये देखिए इनको अच्छे से चला लीजिए ऐसे। ये देखिए कितने प्यारे कर कितने अच्छा कलर इनका आया है, कैमरे में भी थोड़ा सा येलो दिख रहा है, लेकिन नहीं करेले बहुत टेस्टी बने थे। तो आप भी इस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ ये, इस वाले तरीके से भी आप इसे रेडी कर सकते हो।